बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब के बच्चे होंगे। मैं यहाँ पे बना रही हूँ सावी का मैंगो क्राफ्ट, जो गले में टांग के जाएगी, मैंगो बन के जाएगी। दिखाती हूँ मैं कैसे बनाया है मैंने। ये देखो पसारा है, सब कलर वलर किया। ये देखो ये सब मैं लेकर आई थी, सैटरडे को गई थी ना तभी सब लेकर आई थी। और ये देखो ये फाइनल स्टेज पे है अभी, दिखाती हूँ मैं आप लोग को। मुझे कार्डबोर्ड से बनाना चाहिए था लेकिन ठीक है, मेरा दिमाग नहीं चला तो मैंने चार्ट पेपर ना चार्ट पेपर वैसे। गाइस ये देखो बन गया मैंगो सावी का। ये देखो गाइस बन गया है ऐसे, कैसा दिख रहा है। ऐसे डोरी आएगा, ये गले में जाएगा इसके। चाय नहीं पी हूँ, चाय पी रही हूँ। 10 बज गया है और एक रोटी खाऊंगी चाय के साथ, और फिर टिफिन बनाना है बच्चों का, चारों बच्चों का बनाना है। चीज पराठा बनाने वाली हूँ तो दिखाती हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं चाय रोटी खा रही हूँ कि 10:30-11 बज गया था तो मैंने कुछ खाया नहीं था, फिर मैं यहाँ पे चाय रोटी खा रही हूँ। मैं तो अभी भी खा रहती हूँ चाय रोटी, बचपन में भी खाती थी। आलू बॉईल कर लिया था और फिर उन लोग को टिफिन में बना था आलू की सब्जी बॉईल करके, और फिर बना ले रही हूँ मैं चीज़ वाला पटाटे। वाकई इतना यम्मी बनाया ना, और ऐसे रहता है ना तो आइटम तो बच्चों को खाने में मज़ा भी आता है, और हम लोग को तो खाने आता ही। हमारे घर तो सभी चटोरे सब खाते हैं। और ये चीज़ वाला पराठा बना रही हूँ, 2 लेयर का बनाऊँगी। पहले 2 रोटियां बेल लूँगी और फिर एक पे मैं चीज़ पूरा क्रश कर ले रही हूँ। ये अमूल का चीज़ है जो इसने दिया था मुझे, करिश्मा ने दिया था, तो ये क्रश करके फिर दूसरा जो रोटी है उसके ऊपर रखे और फिर साइड साइड से कट करके स्क्वायर में बना दूँगी, ताकि बच्चों को ना अच्छा लगता है। ऐसे कुछ क्राफ्ट वाले कुछ चीज़ें बनाओ ना तो खाने में वो लोग ना एज अ गेम कंसिडर करके वो खाते भी है बहुत अच्छे से। लेकिन हमारे सिर्फ सावी तो नहीं खाती, सावी के लिए कुछ भी कर लो। तो एप्पल खा ली थी जो मैं टिफिन में दिया था, आधा खा लेती रोटी घर पे लेकर आती है, फिर रोटी घर पे खाती है, ऐसा करती है वो। मैंने सिर्फ इन लोग को ही बना के दिया था, लेकिन बाकी जो टिफिन थे इतने सारे टिफिन मैंने किसके लिए बनाया आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को आगे दिखाती हूँ। और ये वाइट वाइट इसलिए जो मैंने रोटी बेला हुआ था वो मैंने परात में ही रख दिया था, उसमें जो बर्तन था उस पर ही लग गया वो। और देखो ऐसे स्क्वायर में मैंने बना कर देखो यहाँ पे सारा कटिंग करके रख लिया, पराठे सब्जी काजू एप्पल सब कट करके, और फिर सारा मैं टिफिन, चार टिफिन किसका है चलो मैं आपको बताती हूँ आप लोगों को। एक तो है सावी का और 3 है, एक है श्रेया का, आरव का और अमन्या का। मैंने बहुत मैं तुम लोग को टिफिन दे दूँगी आज बना के, चीज़ पराठा बनाऊँगी तो इसलिए उन लोग को मैंने बता दिया था। इसमें मैंने चिप्स डाला था, लेकिन चिप्स ना स्कूल में अलाउ नहीं है, घर का ही सिर्फ खाना अलाउ है। चिप्स घर का भी बनाओ तो भी अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए फिर मैंने बाकी ये सब आलू की सब्ज़ी एप्पल काजू पराठा ये 4 चीज़ें मैंने दे दिया था। और अवन्या ने 2 पीस नहीं खाया था पराठा का, और सावी तो पूरा ही लेकर आई थी घर पे, एक खाई थी शायद जो पीसेस कट करके दिए हैं, बाकी पूरा घर पे लाई घर पे खाई थी। बाबू नंगू पंगू है, नंगू पंगू है बाबू, खोलो नहीं बेटा, खोलो नहीं, वो भाग गया बाहर। गाइस ये हो गया टिफिन भर के इन लोग का, देखो सावी घूम रही इधर, आ रहा इधर घूम रहा है, कूद रहा है, बोलो हाय। अब मैं जाऊँ नहाने, फिर मेरे को काम करना है ऑफिस का काम है, मुझे 11:30 होने वाला है नहा के, फिर मैं ऑफिस का काम करूँगी। सारी मेरे को किसी करेगी, सारी मेरे को किसी करेगी। मैंगो
मैंगो सांस क्यों रोक रही हो? देखो इधर मैंगो। और ये मैंगो जो क्राफ्ट है मैंने बनाया था, आज भी मेरी क्राफ्टिंग का जो स्किल है गया हुआ नहीं, अभी भी मेरे हाथों में है गाइस। जैसे मैं आपकी फेवरेट बुआ कौन है बेटा? आपकी फेवरेट बुआ कौन है? और मैं नहीं हूँ। अरे नहीं बोल रही है, अरे बनाया मैंने ये सब, खाना मैं खिलाती हूँ, हर काम तुम्हारा मैं करती हूँ। तो फेवरेट हो जाएगी क्या? जाए लो कट्टी, लो कट्टी, लो कट्टी, मैं आपसे बात नहीं करूँ। नहीं बेटा निकल, कोई बात नहीं, ये उसको ही परेशान मत करो। बोलो मैं भी हूँ, मैं भी हूँ ना, वो तो आप ही हो। बोलो, नहीं हूँ मैं। रुलाएगी क्या उसको? नहीं उसको देखना है मेरे को, बोलो जल्दी बोलो। नहीं यार तुम लोग है। और यहाँ हो गया था लंच टाइम, सावी सब बच्चे स्कूल चले गए थे, तो लंच टाइम में मेरा था दाल राइस, फिर सब्जी थी जो कि मुझे आलू और परवल की भुजिया होती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, आलू परवल की भुजिया। और क्या बोलते हैं उसको, दूधी को क्या बोलते हैं, लौकी बोलते हैं वो है। और ये मूंग की सब्जी बनी थी नाश्ते में, वो भी है। ये लौकी की सब्जी है और फिर आलू परवल की सब्जी, नहीं सॉरी, ये आलू परवल की सब्जी है और फिर लौकी भी है। और अचार मैंने नहीं लिया था शायद, हाँ नहीं लिया था, क्योंकि इतनी सारी सब्जी थी तो अचार लेने का मतलब ही क्या है। ये आलू परवल सब्जी है, वो दूधी की सब्जी है। इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, क्योंकि वीडियो हम लोग पहले ही बना लेते हैं और बाद में जब एडिटिंग करते हैं ना तो समझ में नहीं आता क्या है वो। अभी भी मुझे समझ में नहीं आया दूधी की सब्जी है कि आलू, और ये है यार आलू और पत्ता गोभी का ऐसा लग रहा है, याद भी नहीं मुझे कि क्या है। और अचार में मैंने हाँ ये लिया था, क्या बोलते करेला लिया था। करेला को दाल में एकदम मिक्स करके खाएंगे फिर मज़ा आएगा, आप भी लोग आ जाओ खाने के लिए। सवा छः बज गए लेकिन मैंने अभी तक चाय नहीं बनाया, मेरा मन ही नहीं हो रहा है कुछ करने बनने का, आलस सा आ रहा है थोड़ा। और पता नहीं लगता है तो कुछ इसे अजीब सा लग रहा है। और क्या था कुछ नहीं, सोच रही चाय बनाऊँ, बनाती हूँ। सवा छः हो गया, नींद आई थी मेरी थोड़ी सी लेकिन काम था फिर उठ गई, तो फिर बैठे बैठे नींद आएगी, काम करते करते। और मेरा माइक ना 67% दिखा रहा है चार्ज, लेकिन ना ब्लिंक हो रहा है उसमें, वॉइस ही नहीं आ रहा बराबर, अभी चार्जिंग पे लगाया। गाइस आज का व्लॉग बस यहीं तक, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। बाय।